हेलो फ्रेंड्स, तो ये हमारा लेक्चर फोर्थ है और इसमें हम वही जो लास्ट लेक्चर था संविधान के बारे में जो चीज़ें क्लियर की थी कि संविधान के बारे में हमने बताया था कि भाई संविधान क्या है। संविधान लास्ट लेक्चर था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और उसमें हमने बताया था कि अनुसूची जो शेड्यूल है वो 12 शेड्यूल में कौन कौन सी बातें लिखी गई हैं। अब इसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है संविधान के बारे में कि संविधान की विशेषताएँ क्या थी। संविधान की विशेषताएं मतलब स्पेशलिटीज़ क्या थी कॉन्स्टिट्यूशन के। अब इसको जानने के लिए दो चार पांच चीज़ें हैं इसमें, उनको देख लेते हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है जो हमारा संविधान था एक विशालतम संविधान कैसे था, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी बातें लिखी गई थी जो दूसरे देशों के संविधान में नहीं थी, तो इसलिए ये विशालतम था। अब चूँकि आकार वाइज भी देश का आकार बहुत बड़ा था, ये भौगोलिक रूप से बहुत बड़ा है देश, इसके अलावा इसकी पॉपुलेशन भी बहुत बड़ी है, इसके अलावा सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से बहुत ज़्यादा विविधताएँ हैं, यानी देश में सामाजिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। इसके अलावा हमारे यहाँ बहुत सारे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से भी लिया गया है, तो वो चीज़ें भी है। इसके अलावा जो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण दिखता है वो भी इसमें से इम्पॉर्टेंट है। तो सारी जितने भी पॉइंट हैं उन सबको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो विशालतम संविधान में सबसे पहले आता है ऐतिहासिक दृष्टिकोण। जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण या कि ऐतिहासिक पक्ष जो था उसमें क्या बातें थी कि भाई इतिहास से हमने जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ कहाँ से हमने चीज़ें ली हैं, तो अगर देखा जाए तो हमारा जो संविधान है उसमें भारत शासन अधिनियम 1935, जो भारत शासन अधिनियम 1935 है उसका 1/3, उसकी जो भी बातें थी उसका 1/3 हमने कॉन्स्टिट्यूशन में ले लिया है, यानी बहुत सारी बातें हमने भारत शासन अधिनियम से लिया है। इसके अलावा नेहरू रिपोर्ट जो नेहरू रिपोर्ट आई थी साइमन कमीशन के विरोध में, जिसको हम हिस्ट्री में डिस्कस भी करेंगे और आगे वाले लेक्चर्स में इसके बारे में डिस्कस भी किया जा सकता है, मेनली मॉडर्न हिस्ट्री में डिस्कस करेंगे नेहरू रिपोर्ट के बारे में कि साइमन कमीशन के विरोध के बाद मोतीलाल नेहरू ने, जो उस कमेटी के अध्यक्ष थे, उन्होंने नेहरू रिपोर्ट की थी और उसमें जिन बातों का के बारे में उल्लेख किया गया था वही बातें, मैक्सिमम बातों को हमारे संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया। तो नेहरू रिपोर्ट और भारत शासन अधिनियम, ये जो दो ऐतिहासिक दृष्टिकोण है यानी दो बातें जो हैं ये संविधान की विशेषताओं में जुड़ी है, यानी संविधान में इसको जोड़ा गया है। इसके अलावा भौगोलिक क्षेत्र यानी पहला था ऐतिहासिक दृष्टिकोण, तो दूसरा है भौगोलिक क्षेत्र की बात किया जाए तो देश बहुत बड़ा है, देश की जनसंख्या बहुत है, डाइवर्सिटी है देश में, तो इस कारण बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड कर दी गई। इसके अलावा तीसरा अगर बात की जाए तो सामाजिक और सांस्कृतिक विविधताएं देश में, यानी देश है, देश में सोसाइटीज़ डिफरेंट है, डिफरेंट कल्चर के लोग रहते हैं, डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते हैं, डिफरेंट कास्ट के लोग रहते हैं और सबकी मान्यताएं अलग अलग हैं, सबके कल्चर्स अलग अलग हैं और सबकी सोचने की चीज़ें अलग अलग है, तो उस हिसाब से अब सबको लेके चलना कॉन्स्टिट्यूशन में और सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया गया, इसलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा विशाल हो गया है। सेकेंड हो गया। फोर्थ अगर बात की जाए तो इसमें संघ एवं राज्य की अलग सरकार है। हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में संघ और राज्य यानी यूनियन, जो सेंट्रल है और जो स्टेट है, दोनों की अलग अलग सरकारें और दोनों के लिए संविधान में प्रावधान किया गया है, इन दोनों स्टेट के बारे यानी सेंट्रल और स्टेट दोनों के बारे में संविधान में डिस्कस किया गया है और उनके बारे में बताया गया कि भाई सेंटर को ये काम करना है, स्टेट को ये काम करना है और दोनों के लिए डायरेक्शंस दिए गए हैं, जिसके कारण संविधान की जो रूपरेखा है वो काफ़ी बड़ी हो गई है।
बहुत सारी ऐसी चीज़ें ली गई हैं जो दूसरे देशों के संविधान में नहीं लिया गया, लाइक यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके बारे में, ऑल इंडिया सर्विस के बारे में, लाइक पंचायती राज, इन सब के बारे में, या कि फिर इंस्टीट्यूशंस, बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो एक्स्ट्रा हैं, जो दूसरे देशों में नहीं पाए जाते, जिसका हमारे देश का जो संविधान है बहुत ज़्यादा विशाल हो गया है। तो ये संविधान की विशेषताएं में विशालतम संविधान, और इनके बारे में ये 5-6 पॉइंट ये हो गए। एंड देन जो दूसरा है, दूसरा पॉइंट आता है संविधान की आलोचना, कि भाई संविधान आखिरकार बनाया गया है तो अलग अलग लोगों ने संविधान की आलोचनाएं भी की, यानी क्रिटिसिज्म भी संविधान का किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन का क्रिटिसिज्म। अब इन सब चीज़ों को हम डिस्कस कर लेते हैं, संविधान की आलोचना, संविधान की आलोचनाएं कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले तो इसकी जो संविधान की आलोचना है उसमें सबसे पहला है वकीलों का स्वर्ग। कैसे वकीलों का स्वर्ग ऐसे है कि भाई जो संविधान की भाषा को काफ़ी जटिल है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वर्डिंग्स है। अब जब बहुत ज़्यादा जटिल है तो उसको समझाने के लिए भी, उसको एक्सप्लेन करने के लिए भी वकील की ज़रूरत पड़ेगी। यानी एक तरीके से संविधान लिख दिया गया, उसके बाद अब वकीलों के लिए एक स्वर्ग बना दिया गया कि भाई केसेस बढ़ते ही जाएंगे। संविधान में कुछ चीज़ लिखी तो उसको कोई दूसरे दृष्टिकोण से देख रहा है तो कोई दूसरे दृष्टिकोण से देख रहा है, या उसको कोर्ट दूसरे तरीके से और गवर्नमेंट दूसरे तरीके से देख रही, तो इस केस में वकीलों का स्वर्ग हो जाता है। और ये बात सही भी थी, जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उनमें से तो अधिकांशक वकील ही थे, तो जिसके कारण जो लैंग्वेज है बहुत ज़्यादा टफ है, यानी सरल भाषा में नहीं लिखा गया, वो आम जनता तो समझ ही नहीं सकती। तो इसलिए एक तरीके से ये जेनिंग्स ने कहा था कि भाई ये वकीलों का स्वर्ग बनाया गया है, तो इस हिसाब से इसकी आलोचनाएँ की गई। इसके अलावा बोला गया कि ऐतिहासिक विरासत है। ऐतिहासिक विरासत मतलब जो चीज़ है हमारे देश के संविधान को बहुत ज़्यादा विशालतम बनाती है, ऐतिहासिक विरासत, उसी की इन्होंने आलोचनाएं की है। इनका आलोचना करने का है कि भाई जब आप औपनिवेशिक काल में रह रहे थे उस टाइम पे जो बातें लिखी गई थी आपने सब चीज़ें संविधान में उठा के रख दी, यानी आपने कुछ नया अपने से किया नहीं, कुछ नया सोचा नहीं, नया ट्राई नहीं किया, तो जिस कारण आपका संविधान बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। यानी आपने रेलिवेंट चीज़ों को नहीं लिया है, आपने बहुत अनरेलिवेंट चीज़ों को लिया है, ऐतिहासिक विरासत। इसके अलावा थर्ड अगर बात की जाए, ग्रहित है मतलब दूसरे देशों के संविधान से लिया गया, यानी कुछ अपनी नई इनोवेटिव थिंकिंग नहीं है। यानी क्या किया गया कि दूसरे देशों के संविधान को लिया गया और उनमें से अपने हिसाब से छाट के आपने तैयार कर दिया, यानी कोई आपने आपके मन की चीज़ें नहीं थी। यानी हमने भी भाई दर्जन भर ज़्यादा संविधान को हमने अध्ययन किया और उनके बारे में हमने वहाँ से हमने प्रोविज़न को लिया भी था, जिसको बाद में आप डिस्कस करेंगे कि किस देश से कौन कौन से संविधान, किन देशों के संविधान से कौन कौन सी चीज़ों को भारत के संविधान में जोड़ा गया है। ये हो गया, यानी इस तरीके से संविधान की आलोचनाएं की गई थी। हालांकि ग्रहित के लिए डॉक्टर V.R. अम्बेडकर ने इसका समाधान भी किया था, इसके बारे में बताया था कि भाई हमने दूसरे देशों के संविधान को जरूर लिया, लेकिन जो दूसरे देशों के संविधान थे उनमें जो जो गलतियां थी, जो जो खामियां थी, उनको हमने दूर किया और अपने देश के हिसाब से, यानी अपने देश के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जो धरोहर है उसके हिसाब से, कि सब उसी हिसाब से हमने उसको अपनाया है। तो इस तरीके से संविधान की आलोचना हो गई। अब हम यहाँ ये देख लेते हैं कि दूसरे देशों के संविधान से हमने क्या क्या लिया है। सबसे पहले है USA, USA मीन्स यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी अमेरिका। अब USA से हमने क्या क्या चीज़ें ली हैं, सबसे पहले तो हमने मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट, जो देश का फंडामेंटल राइट है उसको हमने अमेरिका से लिया है। इसके अलावा न्यायालय की स्वतंत्रता, न्यायालय की स्वतंत्रता, इसको भी हमने अमेरिका से लिया है। इसके अलावा न्यायिक सक्रियता मतलब जुडिशियल रिव्यू,
इसमें ये है कि न्यायालय अपने जो भी कोई फैसला दिया है उसके ऊपर वो खुद भी एक बार फिर से चेक कर सकते हैं कि भाई जो उसने वर्डिक्ट दिया वो सही है कि नहीं है ना, इसलिए उसको बोल सकते हैं न्यायिक सेक्रेटरी तक। और ये भी हमने अमेरिका से लिया है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, इसको भी हमने यूएसए से लिया गया है। यूएसए के बाद आता है यूके, यूके इट मीन्स यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन। तो यूके से हमने जो लिया है, या कि इसको अपन ब्रिटेन भी बोल सकते हैं, ब्रिटेन, इससे हमने लिया है एक तो संसदीय व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था इट मीन्स पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय व्यवस्था, जो देश की संसदीय व्यवस्था है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है जिसमें लोकसभा राज्यसभा काम करती है, वो पूरा का पूरा हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। इसके अलावा सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत, इसके अलावा हमने सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत भी लिया है। इसके अलावा विधि का शासन, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ भी हमने यूनाइटेड किंगडम से लिया है। यह चीज़ें हो गई। इसके अलावा अगर बात की जाए तो साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या लिया, दक्षिण अफ्रीका से हमने लिया संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन इट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, अमेंडमेंट, ये साउथ अफ्रीका से लिया। अब फ्रांस से हमने क्या लिया, फ्रांस से हमने गणराज्य लिया, गणराज्य इट मीन्स रिपब्लिक, रिपब्लिक, गणराज्य लिया। इसके अलावा कनाडा, कनाडा यानी कनाडा से हमने क्या लिया, कनाडा से हमने लिया है संघ राज्य सरकार संबंध, संघ राज्य सरकार संबंध, संघ राज्य के सरकार संबंध हमने लिया है। और इसके अलावा राज्यपाल, जो गवर्नर है उसको भी लिया गया है। इसके अलावा आयरलैंड, आयरलैंड, आयरलैंड से क्या लिया, डीपीएसपी, डीपीएसपी मीन्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसके अलावा लिया है राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करना, 12 सदस्यों को मनोनीत करना, यानी ये सब बातों को हमने दूसरे देशों के संविधान से लिया है। ये हो गया। अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है संविधान के बारे में ही है कि जो हमारा संविधान है वो नम्यता और अनम्यता का मिश्रण है, और अनम्यता का मिश्रण है। नम्यता और अनम्यता क्या है, नम्यता इट मीन्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, यानी बहुत ज़्यादा लचीला, इसको बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा लचीला या बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। अनम्यता को बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा हार्ड, या कि बहुत ज़्यादा कठोर, हिंदी में कठोर, हार्ड या कि सॉफ्ट। अब लचीला कैसे, जैसे जो ब्रिटेन का जो संविधान है, ब्रिटेन या इंग्लैंड, ब्रिटेन का जो संविधान है वो क्या बहुत ज़्यादा लचीला है, यानी उसमें बहुत बहुत यानी बहुत आसानी से उसमें कोई भी संविधान संशोधन किया जा सकता है, बहुत ज़्यादा लचीला है। और वहीं अगर बात किया जाए तो कठोर मतलब अनम्यता का जो है अमेरिका का है, अमेरिका का जो संविधान बहुत ज़्यादा कठोर है। लेकिन वहीं इंडिया के संविधान, वहीं भारत के संविधान की बात किया जाए तो वो नम्यता और अनम्यता का मिश्रण है, यानी वो लचीला भी और कठोर भी, यानी समय के अनुसार, वो जो समय के अनुसार या कि परिस्थितियों के अनुसार उसमें संविधान संशोधन करके बदलाव किया जा सकता है, यानी जो भी समाज की डिमांड है, जो भी पब्लिक की डिमांड है उसके हिसाब से उसमें फेरबदल किया जा सकता है समय के हिसाब से। लेकिन इतना भी आसान नहीं है कि उसको बहुत ही आसानी से आप उसका पृथक कर, बहुत ही आसानी से आप उसको क्लियर कर लो। तो इस हिसाब से कहा जा सकता है जो हमारा देश का संविधान वो नम्यता और अनम्यता का मिश्रण है। जैसे नम्यता और अनम्यता, जैसे संविधान संशोधन की बात किया जाए, संविधान संशोधन या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, तो हमारे देश के संविधान को दोनों तरीकों से
अमेंडमेंट किया जा सकता है, लाइक साधारण बहुमत से साधारण संविधान संशोधन भी किया जा सकता है और विशेष बहुमत द्वारा भी संविधान संशोधन किया जा सकता है, विशेष बहुमत द्वारा भी किया जा सकता है। और कहीं कहीं पे तो विशेष बहुमत के साथ साथ टू थर्ड स्टेट की भी रजामंदी होनी चाहिए। यानी जो कम महत्व के जो सब्जेक्ट हैं उनके लिए साधारण संविधान संशोधन करके भी उसको किया जा सकता है, जो थोड़ा उससे ज़्यादा महत्व के उनके लिए विशेष बहुमत की जरूरत, और जो बहुत ज़्यादा महत्व के उनके लिए विशेष बहुमत के साथ साथ टू थर्ड स्टेट की भी रजामंदी चाहिए। यानी इस हिसाब से देख सकते हैं कि हमारा जो संविधान है नम्यता और अनम्यता का मिश्रण है, यानी संविधान को बहुत आसानी से संशोधन भी नहीं किया जा सकता और बहुत ज़्यादा कठोर भी नहीं है। तो ये हो गया टॉपिक। अब इसके अलावा जो इसके बाद वाला टॉपिक है के बाद वाला इसके बाद वाला टॉपिक जो है वो डेमोक्रेसी पे है। डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र, हिंदी में इसका मतलब होता है लोकतंत्र। डेमो का मतलब होता है लोग और क्रेसी का मतलब होता है शासन, लोग और शासन, यानी लोगों का शासन, लोगों का शासन या लोकप्रिय भागीदारी पर आधारित शासन, लोकप्रिय भागीदारी पर आधारित शासन, या कि लोकप्रिय भागीदारी पर आधारित शासन या लोक संप्रभुता पर आधारित शासन, संप्रभुता पर आधारित शासन। यानी लोकतंत्र में इन तीन बातों का ध्यान रखा जाता है, डेमोक्रेसी, लोगों का शासन, यानी वहाँ जो शासन वो लोगों के द्वारा ही होना चाहिए, यानी वहाँ इलेक्शन होना चाहिए, वो इलेक्शन में पब्लिक को भाग लेना चाहिए और उसके बाद वो डिसीजन ले कि किस पार्टी की गवर्नमेंट आएगी और कैसे काम करेगी, तो लोगों का शासन होना। लोकप्रिय भागीदारी पर आधारित, लोकप्रिय भागीदारी मतलब वहाँ पब्लिक की बहुत ज़्यादा यानी वहाँ पे पब्लिक की प्रेजेंस होनी चाहिए, तो ये लोकप्रिय भागीदारी। लोक संप्रभुता पर आधारित, संप्रभुता मतलब होता है सॉवरेनिटी, संप्रभुता, इसको अगर बात किया जाए तो यानी संपूर्ण शक्ति राज्य में होना चाहिए, संपूर्ण शक्ति राज्य में निहित, यानी जितनी भी शक्ति होनी चाहिए राज्य के अंदर होनी चाहिए, चाहे विदेशी शक्ति हो चाहे कुछ भी शक्ति हो, वो किस में होनी चाहिए, राज्य पे निहित होनी चाहिए। यानी हमें किस देश के साथ कैसा रिलेशन बनाना है, ये सारी शक्तियाँ किसके पास होनी चाहिए, राज्य के पास होनी चाहिए। जैसे अगर बात किया जाए तो हमारा जो देश था जब 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त 1947, उसके बाद भी हमारे पास वो फॉरेन विदेशी शक्ति नहीं थी, क्योंकि उस टाइम पे हम डोमिनेंस कंट्री थे, में अधिराज्य थे, तो उसमें जो विदेशी शक्तियाँ थी वो किसके, ब्रिटेन के ही हाथ में थी। फिर उसके बाद जब हमारे 26 जनवरी 1950 को हमारा जब संविधान बन के तैयार हुआ, उसके बाद हमारे पास ये शक्ति हमारे में निहित हो गई, तो ये हो गया। तो यहाँ पे डेमोक्रेसी का मतलब, डेमोक्रेसी की एक डेफिनेशन है अब्राहम लिंकन की, अब्राहम लिंकन की एक डेफिनेशन है। डेमोक्रेसी वो होता है लोगों का शासन, यानी लोगों के लिए होना चाहिए, लोगों के द्वारा होना चाहिए और लोगों का शासन होना चाहिए। अब्राहम लिंकन ने ये डेमोक्रेसी की डेफिनेशन बताई थी, ये हो गया। अब इसके बाद जो है हमारा थोड़ा डेमोक्रेसी के बारे में ही और डिस्कस कर लेते हैं, कि टाइप ऑफ डेमोक्रेसी या कि टाइप ऑफ
डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के प्रकार, लोकतंत्र के प्रकार, लोकतंत्र के प्रकार कौन कौन से होते हैं उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। एक तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी भी होती, डायरेक्ट डेमोक्रेसी भी होती है, और दूसरा इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी होती है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी होती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी भी होती है और एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी होती है, यानी दोनों टाइप की डेमोक्रेसी होती हैं। अब इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट डेमोक्रेसी को हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, और इनडायरेक्ट को बोलते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतलब जनता के द्वारा डिसीजन लेना, और इसमें क्या होता है जनता के द्वारा सीधा डिसीजन लेना ना, सीधा यानी जो भी, यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्र अगर कोई भी डिसीजन लेना है तो वो पब्लिक डायरेक्ट टू डायरेक्ट उसको डिसाइड करेगी। लेकिन वहीं अगर बात किया जाए तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोग नहीं बल्कि उनके प्रतिनिधि डिसीजन लेते हैं, यानी रिप्रेजेंटेटिव डिसीजन होता है, रिप्रेजेंटेटिव, लोग नहीं बल्कि लोगों के द्वारा डिसीजन लिया जाता है, यानी रिप्रेजेंटेटिव लोग मिलकर डिसीजन लेते हैं। अब भारत जैसे देश में जहाँ की आबादी 120 करोड़ है, जो 2011 के सेंसस में हुआ था, यानी 120 करोड़ अब तो और ज़्यादा हो गए, 150 करोड़ समथिंग हो गई होगी, तो उस देश में अगर प्रत्यक्ष लोकतंत्र हो यानी डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो तो वो वहाँ पे ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भाई 150 लोग अगर कोई भी एक डिसीजन लेना है, 150 लोग खड़े होकर वहाँ पे डिसीजन लेंगे देन बहुत टाइम हो जाएगा, यानी इवन सालों हो जाएंगे, तो वहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी काम नहीं आएगी बल्कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी आएगी, कि भाई जनता डायरेक्ट डिसीजन ना लेके बल्कि जनता के जो प्रतिनिधि हैं जिनको जनता ने चुना है, यानी अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहाँ से भी चुनाव लड़ा है जो भी उनको चुना है वो डायरेक्ट डिसीजन ले, ना कि जनता डायरेक्ट डिसीजन ले, तो यानी रिप्रेजेंटेटिव के उसमें डिसीजन लिया जाता है। अब यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव जो प्रतिनिधि के अनुसार जो चुनाव जो डिसीजन लिया जाता है वहाँ पे भी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी दो टाइप की होती है, डेमोक्रेसी भी मेनली दो टाइप की है जो हर जगह फेमस है, यानी हर कंट्री में फेमस है। कौन कौन सी है? एक तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, एंड एक प्रेसिडेंशियल, प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड प्रेसिडेंशियल। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी मतलब संसदीय लोकतंत्र, संसदीय लोकतंत्र, और ये अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी, संसदीय लोकतंत्र, अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। संसदीय लोकतंत्र जो हमारे देश में है, और हमने कहाँ से लिया? ब्रिटेन से लिया, यानी इसका जनक कौन है? ब्रिटेन है, जनक ब्रिटेन। वहाँ पे एक वेस्टमिंस्टर प्रोसेस चलती है, वेस्टमिंस्टर प्रोसेस या कि सिस्टम, वहाँ से इसको लिया गया है ब्रिटेन से। और अध्यक्षात्मक का क्या है? यूएस से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका में प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है। इसके अलावा जो ये फर्स्ट हो गए, एंड देन सेकंड क्या है? शक्तियों का लचीला पृथक्करण। शक्तियों का लचीला पृथक्करण मतलब जो शक्तियाँ हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, जैसे बताए थे सरकार के तीन अंग, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, लेजिस्लेचर, एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये जो तीनों की जो शक्तियाँ उनमें लचीला पृथक्करण, यानी विधायिका भी कार्यपालिका के कार्य में हस्तक्षेप कर सकते हैं, कार्यपालिका भी न्यायपालिका के कार्य में हस्तक्षेप कर सकते हैं, न्यायपालिका भी दोनों के काम में हस्तक्षेप कर सकते हैं, यानी एक बैलेंस बनाकर क्रिएट करके रखना। लाइक इसमें बोला जा रहा है कि भाई जो लेजिस्लेचर है यानी जो विधायिका है एंड जो एग्जीक्यूटिव है कार्यपालिका एंड एक जुडिशरी, ये तीनों एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप कर सकते हैं, तीनों एक दूसरे के काम में इंटरफेयर कर सकते हैं, बैलेंस इस्टेब्लिश करने के लिए, कि भाई जब लेजिस्लेचर अच्छे से काम ना करे तो एग्जीक्यूटिव उसके ऊपर दबाव बनाए,
जब लेजिस्लेचर एक्सिक्यूटिव जब मिलकर दोनों यानी एक कोई ऐसा कानून पारित करें जो जनता के हित में ना हो, तो जुडिशरी उस पर लगाम लगाए। यानी एक तरीके से देखा जाए तो एक लचीला पृथक्करण है, यानी शक्तियों का यानी पृथक पृथक तो कर दिया गया, लेकिन अलग अलग तो कर दिया गया, लेकिन कोई भी किसी के भी उसमें आ सकता है अगर सामने वाला गलत कर रहा है तो। यहाँ पे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में होता है, जैसे इंडिया में भी वही पॉलिसी, जैसे कुछ भी अगर बनाए गए, जैसे राइट टू प्राइवेसी अगर बनाया गया तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट चले गए कि भैया ये गलत हो रहा है, है ना। देन जैसे जम्मू कश्मीर, वहाँ पे 370 हटाए, देन वहाँ पे चले गए सुप्रीम कोर्ट। तो इस तरीके से कि भाई अगर लेजिस्लेचर या एक्सिक्यूटिव है जो अगर गलत कोई भी डिसीजन लेती है, ये नहीं बोला जा रहा कि ये गलत है, बट अगर कोई भी ऐसा डिसीजन लेती है जो जनता के हित में नहीं है तो जुडिशरी उस पर लगाम लगाती है, और जब जुडिशरी कोई ऐसा काम करने लग जाती है देन महाभियोग लगा के लेजिस्लेचर उस पर रोक लगाती है। तो इस तरीके से एक बैलेंस, चेक एंड बैलेंस इस्टेब्लिश करना, तो ये शक्तियों का लचीला पृथक्करण कहाँ है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में। वहीं अगर प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी की बात की जाए तो यहाँ पे शक्तियों का लचीला पृथक्करण नहीं, यानी शक्तियों का कठोर पृथक्करण है, कठोर पृथक्करण है। यानी शक्तियों का कठोर पृथक्करण मतलब कि भैया यहाँ पे कोई किसी के कार्य में इंटरफेयर नहीं कर सकता, यानी लेजिस्लेचर अलग, एक्सिक्यूटिव अलग और जुडिशरी अलग। यानी लेजिस्लेचर एक्सिक्यूटिव के काम में इंटरफेयर नहीं करेगा, एक्सिक्यूटिव जुडिशरी के में नहीं, और जुडिशरी इन दोनों के काम में, यानी कोई एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करेगा। यानी यहाँ पर कठोर पृथक्करण किया गया, यानी सबके काम डिफाइन कर दिए, सबको अलग अलग काम दे दिए गए, और कोई किसी के उसमें, कोई किसी के भी काम में इंटरफेयर नहीं करेगा। तो ये सेकेंड हो गया। देन थर्ड जो नंबर है, शक्तियों का समन्वय, शक्तियों का समन्वय। शक्तियों का समन्वय मतलब जो तीनों पावर्स हैं, लेजिस्लेचर, एक्सिक्यूटिव और जुडिशरी, ये तीनों का समन्वय हो गया, यानी तीनों एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन बना के काम करेंगे। यानी लेजिस्लेचर एक्सिक्यूटिव के साथ मिलकर काम करेगा, एक्सिक्यूटिव जुडिशरी के साथ मिलकर काम करेगी। अगर जुडिशरी को कहीं पर ऐसा लग रहा है कि भाई उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है, देन वो उनसे मदद करेंगे। अगर लेजिस्लेचर को ज़रूरत है कि भाई कोई कानूनी पक्ष आ गया जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की मदद की ज़रूरत है, देन वो उनसे परामर्श ले सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं। तो एक तरीके से शक्तियों का समन्वय है, यानी शक्तियों का कोऑर्डिनेशन करना, जो पावर्स है उसका कोऑर्डिनेशन करना तीनों पावर्स के बीच, तो शक्तियों का समन्वय है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, जो प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी, इसमें किसी भी प्रकार का कोई समन्वय नहीं है, यानी जिसका जो रेजिम है, जिसका जो काम है, वो वहीं तक सीमित रहेगा। तो ये हो गया। एंड फोर्थ वन अगर बात की जाए, इसके अलावा अगर बात किया जाए तो कार्यपालिका, दोहरी कार्यपालिका है, यानी जो कार्यपालिका है वो दोहरी है, मतलब दोहरी कार्यपालिका है, एक नाम मात्र की कार्यपालिका है, नाम मात्र की कार्यपालिका है, एक वास्तविक कार्यपालिका, दोहरी कार्यपालिका, एक नाम मात्र की, एक वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका में मतलब ब्रिटेन के राजा, या कि फिर ब्रिटेन के किंग, या कि फिर इंडिया के प्रेसिडेंट, या कि राष्ट्रपति, ये। लेकिन वही वास्तविक कार्यपालिका की बात कर लीजिए, प्राइम मिनिस्टर ब्रिटेन के भी होगा, इंडिया के भी होगा। तो इस तरीके से यहाँ दोहरी कार्यपालिका है, यानी इसमें जैसे बोला जाए तो प्रेसिडेंट क्या है, एक रबड़ का स्टैम्प का एक पुतला है, तो इस तरीके की एक थ्योरी भी है। बट उसमें भी हम जब प्रेसिडेंट वाला पढ़ेंगे देन उसमें ये क्लियर करेंगे कि भाई उसके उसके पास कौन कौन सी शक्तियाँ हैं, क्यों उसको शक्तियाँ दी गई हैं, है ना। तो ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। बट यहाँ पे ये है कि यहाँ पे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में नाम मात्र के भी कार्यपालिका होती है, वास्तविक कार्यपालिका भी होती है, जैसे देश में, अपने देश में भी एंड ब्रिटेन में भी। बट प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में, अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में, एकल कार्यपालिका है, यानी वहाँ जो प्रेसिडेंट है, लाइक अभी वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट है, तो पूरी की पूरी पावर उन्हीं के पास है, वहाँ प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वहाँ पे पूरी की पूरी पावर प्रेसिडेंट के पास है। तो यहाँ वहाँ पे एकल कार्यपालिका है। अब जो पांचवा नंबर है वो है सरकार का कार्यकाल जो है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में उसका कार्यकाल क्या है, और जो प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में उसका कार्यकाल क्या है, इसका क्या है, अनिश्चित और अस्थिर है सरकार का कार्यकाल।
इंडिया में भी बात किया जाए तो अनिश्चित और अस्थिर है। कोई ये बोलेगा भाई 5 साल के लिए गवर्नमेंट चुन के आती, ये जरूरी नहीं कि वो गवर्नमेंट 5 साल के लिए ही चले। लाइक 90s के टाइम पे बहुत सारी गवर्नमेंट आती थी जो दो दो महीने, चार चार महीने, पाँच पाँच, इवन जब पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट आई थी 13 दिन तक चली थी, क्योंकि उसके लिए सदन में आपको बहुमत होना जरूरी है। लोकसभा में, राज्यसभा में, आप लोकसभा में जो सदन है, लोकसभा राज्यसभा में, वहाँ पे आपको बहुमत होना जरूरी है। अगर बहुमत नहीं है आपके पास, देन आप गवर्नमेंट नहीं बना सकते। यानी वो डिपेंड करता है कि आपकी सरकार का कार्यकाल कितना है, आपकी जो पार्टी है, आपकी जो भी शासक है, जो भी यानी प्राइम मिनिस्टर है, उनको जो पार्टी है उसको कितना सदन का उसको बहुमत हासिल है या नहीं है, इस पर डिपेंड करता है। बट वहीं पर अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में जो सरकार का कार्यकाल स्थिर है और निश्चित है, यानी वहाँ पे डिफाइन किया गया भाई 5 साल तक रहना है या नहीं रहना है। यानी अगर एक बार डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन गए देन उनको 5 साल तक कोई नहीं निकाल सकता, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। छठा नंबर, जो मंत्री है, मंत्री की योग्यता क्या है, मंत्री की योग्यता क्या है। मंत्री की योग्यता यहाँ पे सिर्फ सदन का सदस्य बनना जरूरी है, सदन का सदस्य होना जरूरी है। सदन का सदस्य होना जरूरी मतलब जो सदन है, मतलब लोकसभा राज्यसभा, वहाँ का आपको मेंबर बना रहना जरूरी है। अगर आप मेंबर नहीं हो देन 6 महीने के बाद आपकी जो भी जो जहाँ से भी आप जीते हो वो आपकी सीट चली जाएगी। यानी मंत्री के लिए आपको लोकसभा या राज्यसभा में 6 महीने के भीतर आपको सदन का सदस्य बनना जरूरी है, अगर आप सदस्य नहीं हैं तो, और वैसे तो रहते हैं, और अगर नहीं रहते देन वो 6 महीने के अंदर वो सदस्यता ले लेते हैं, मेंबरशिप ले लेते हैं सदन की। तो इस हिसाब से मंत्री की योग्यता ये, बट यहाँ पे मंत्री की योग्यता कोई नहीं है। यानी भाई जो डोनाल्ड ट्रंप है वो अपने मन से किसी भी बंदे को मंत्री बना सकते हैं। लाइक उनका अगर उनके फैमिली का मेंबर अगर कोई है जिनको वो पसंद करते हैं वो उनको भी मंत्री बना सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे कोई यानी योग्यता डिफाइन नहीं की गई है। 7वां नंबर, मंत्रियों का उत्तरदायित्व मंत्रियों का उत्तरदायित्व कैसे है, यानी व्यक्तिगत भी है और सामूहिक भी है। मंत्री व्यक्तिगत रूप से भी उत्तरदायी है और सामूहिक रूप से भी उत्तरदायी है। यही मतलब मंत्री व्यक्तिगत रूप से भी प्रेसिडेंट के प्रति यानी उत्तरदायित्व है, अकाउंटेबल है, और सामूहिक रूप से यानी पूरे का पूरा मंत्रिमंडल भी उत्तरदायित्व है। लेकिन यहाँ पे बात की जाए तो किसी प्रकार का वो उत्तरदायित्व नहीं है। उत्तरदायित्व यहाँ पे किचन कैबिनेट मतलब अपने मनपसंद के किसी को भी कैबिनेट से ले सकते हैं। यानी कोई ज़रूरी नहीं कि भाई वो सदन का ही होना चाहिए, कहीं से भी ले सकते हैं। तो इस हिसाब से ये जो हो गया हमारा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी के बीच डिफरेंस हो गए। अब ये आज के लेक्चर में इतना ही, एंड देन हम बाद में और डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लेक्चर।